नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको टॉप बनाने बताऊंगी। ये बनाने के लिए ये हमारे पास टॉप है, हम इसको पेपर में कटिंग करने बताएंगे। अभी इसको हम पहले कटिंग करने से पहले हम इस टॉप को नाप लेते हैं। इसकी लंबाई 26 इंच है। इसको हम एक पेज पे लिख देते हैं, लंबाई 26 इंच, सीना है, सीना को भी नाप लें, सीना है 15 यानी कि 30 इंच, सीना 30 इंच है। इसका कंधी देख लीजिए, ये तीरा है 14 इंच का। यहां हम लिख देंगे तीरा 14 इंच। गले का है 7 इंच। कंधी है 3.5 इंच। हाथ की कटिंग है 6.5-7 पर। बांह है 7 इंच। बांह की लंबाई 3.5 इंच। साढ़े तीन इंच है। ये मेरा 4 इंच बांह की चौड़ाई। अब हम ये कमर के पास भी देख लीजिए, कमर के पास है 13 इंच। 13 × 26, कमर के पास रखना है 26 इंच। ये 30 इंच है, 2 इंच कम हो जाता है, 4 इंच 26 इंच हो जाता है। तो दोस्तों अब हम इसको पेपर पे बनाएंगे। ये हम सबका नाप लिख लिए हैं, अब हम इसको पेपर पे बनाने बताएंगे। तो पेपर पे बनाने के लिए हम इसकी जो माप है इसको हम कम कर देंगे। ये हमारा माप है, इसको ये सारा माप को हम आधा कर दिए हैं। अब हम आधा पर इसको बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पेपर लेंगे। अब हम माप के अनुसार इसको मापेंगे। ये हमारा लंबाई है 13 इंच, तो हमारा ये 13 इंच आ गया। अब हम सीना लिए हैं 30 इंच। 30 इंच ये डबल है, इसलिए ये 15 इंच हो गया। 15 इंच लेना है तो हमको यहाँ पर लेना है 7.5 इंच। 7.5 इंच है मेरा, इसको हम डबल कर लेंगे। डबल करके अब हम बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा तीरा है 7 इंच, तो डबल जब हो गया तो ये 4 फोल्ड हो गया है। तो इसको अब हम सबसे पहले हम गला की बांह की लंबाई को लेंगे। बांह की लंबाई है हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच पर हमको चिन्ह लगाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर
गला के लिए काटेंगे। ये मेरा बहुत छोटा है इसलिए हम इसमें गला के लिए एक रखेंगे और कंधी के लिए हम एक से थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे क्योंकि इसका दोनों ओर से सिलाई पड़ेगा इसमें, तो ये फिर छोटा हो जाएगा। यहाँ तक आ जाएगा, दोनों ओर सिलाई पड़ेगा तो ये फिर छोटा हो जाएगा। तो इस पे हम गला के लिए गला आगे जो है गला का नाप नहीं लिए हैं अभी, गला आगे से नाप लेंगे क्योंकि ये टॉप है। तो टॉप में सिर्फ पीछे का गला हम आधा इंच के लिए काट देते हैं। ये पीछे का गला हम बना लेंगे, इसको हम मिलान कर देते हैं। इसको हम बांह के लिए इसको हम मिला देते हैं, इसको भी इधर से मिला दीजिए। अब इस पे तो हाफ इंच पे इसको लगाइए, यहाँ पर भी हाफ इंच पे लगाइए, इसको ऐसे मिलान कर दीजिए, इसको भी ऐसे मिला दीजिए। ये पीछे का हो जाएगा। आगे ये हमारा नीचे देखिए इसमें डिजाइन बना हुआ है, ये नीचे डिजाइन बना हुआ है। तो इस डिजाइन को हम बनाने के लिए इसको हम देख लेते हैं, ये ऐसे गोल किया गया है। तो इसको भी हम यहाँ से और यहाँ से ऐसे इसको हम गोल कर देंगे। इसमें थोड़ा सा बांह में कमर में थोड़ा सा ये शेप हुआ है तो इसको हम शेप कर लेंगे ऐसे। अब इसका गला नाप लेते हैं। गला की लंबाई इसमें है 3 इंच, तो इसको हम क्या करेंगे 1.5 इंच पे गला रखेंगे, 1.5 से 1.75 इंच पे, क्योंकि 3 से वो थोड़ा सा ज्यादा है इसलिए यहाँ तक 1.75 पे हम इसको रखेंगे। इसको हम मिला लेंगे, इसको भी इधर से मिला लीजिए। ये आगे का गला हो गया और ये पीछे का गला हो गया। इसको आप थोड़ा सा गोल कर दीजिए क्योंकि इसमें भी यहाँ आगे में गोल है, उसके बाद जो है इसका आगे से कट किया गया है। तो इसको अब हम काट लेते हैं। सबसे पहले पीछे का बांह काट लेते हैं। ये कट गया, अब हम इसको थोड़ा सा शेप कर देंगे और पीछे का गला गोल करते हुए इसे कट कर देंगे। ये थोड़ा सा गोल कर दिए हैं और हम नीचे से इसको जो गोल किए हैं इसको हम गोल कर देंगे और ये शेप जो किए हैं इसको भी थोड़ा सा शेप करके काट लेंगे। शेप करके काट लेने के बाद जो है सिलाई करने में अच्छा होता है, उसमें आपको फिर से शेप नहीं करना पड़ता है। तो ये हमारा बन गया है टॉप का, ये पीछे का पार है। ये हमारा पीछे का है भाग, इसको हम अलग करके रख लेंगे। और ये आगे का भाग है, आगे के भाग को हम गला का कटिंग कर लेंगे।
गला को कट करने के बाद बीच से एक थोड़ा सा कट कर लेंगे और ये बटन पट्टी लगा देंगे इसमें। कट करने के बाद ये थोड़ा सा कट कर दिए, ये थोड़ा सा कट करके इसमें हम बटन पट्टी लगा देंगे और इसको आपस में बटन पट्टी लगा के ये सो रहता है सिर्फ। तो ये हमारा ये कट गया है, अब हम इसका बांह के लिए काटेंगे। बांह बनाने के लिए हम पहले नाप ले लेते हैं। बांह मेरा चुनट वाला है इसलिए हम इसको थोड़ा सा लंबा बनाएंगे। इसमें बांह की हमारी लंबाई है 2 इंच, चौड़ाई भी है 2 इंच, तो 2 इंच हम दो बांह बनाएंगे इसलिए 2 इंच हम एक में ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा मोड़ने के लिए भी कपड़ा चाहिए इसलिए थोड़ा सा हम बढ़ा के कपड़ा लिए हैं। ये हमारा 2 इंच हो गया, इसको काट के हम अलग कर देंगे। ये हमारा दो बांह बनेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 फोल्ड कर देंगे। 2 फोल्ड था, 1 फोल्ड और कर दिए, 4 फोल्ड हो गया। अब हमें बांह की चौड़ाई देखना है, 4 इंच है तो इस पे चुन्नट बनेगा इसलिए इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके दे रहे हैं। यहाँ भी चुन्नट बनेगा और यहाँ भी चुन्नट बनेगा, तो इसको हम जितना ज्यादा बनाएंगे बड़ा करेंगे उतना ये हमारा चुन्नट अधिक बनेगा। तो इस पे हम नाप यहाँ पर ले लेते हैं। ये हमारा नीचे का पोर्शन रहेगा, तो हम यहाँ तक ये जो लंबाई जितना है उससे हम थोड़ा सा इसको कम लेंगे और इसको ऐसे घुमाते हुए ये यहाँ तक बना लेंगे। अब ये हमारा चारों तैयार हो गया, इसको हम नीचे से मोड़ करके ये हमारा बांह बन गया। इसको हम यहाँ पर पूरा चुन्नट दे देंगे, यहाँ भी चुन्नट दे देंगे, इसको यहाँ पर पैपिन लगा करके पलटा देंगे, ये हमारा बांह में लग जाएगा। अब हमको कॉलर बनाना है और इसका आगे का पैपिन बनाना है। तो कॉलर बनाने के लिए ये जो है 8, ये 8.5 है और ये 7.5 है और इसकी लंबाई है 2.5 है और ये थोड़ा सा अधिक है 2.5 से। तो अब हम इसको बनाएंगे। ये हमारा तीरा हुआ था, मेरा तीरा है 7 इंच का, तो ये 3.5 इंच का बनेगा। साढ़े तीन इंच का नाप के निकाल लेंगे। इसको काट के निकाल लेंगे, इसको जो है हम यहाँ फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करके इसको थोड़ा सा इसमें डिजाइन देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जो रहता है और ये थोड़ा सा पीछे रहता है, तो इसको ऐसे डिजाइन दे दीजिए और
इसको मोड़ करके इस पे इसको मोड़ के इसको कॉलर में लगा देना है। पहले कॉलर में सिल देना है, ये जो कॉलर बनेगा ये इस पे लगेगा, आगे से इस पे कॉलर लगा करके इसको ऐसे ऐसे सब में लगा देना है, पूरा में यहाँ तक से ऐसे कॉलर लगा देना है। इसके बाद हमारा ये बटन पट्टी बनेगा, ये जो बच गया है इसको हम पलटा करके इसको इधर से सिलाई मार देंगे, इससे हमारा दो बटन पट्टी बन जाएगा। इसको हम यहाँ पर सिलाई मार के इसको ऐसे पलट देंगे, ये हमारा बटन पट्टी यहाँ का बन जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा टॉप तैयार है। तो आपको अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। थैंक यू।